And that day, Sushant's sister was very much there. Meetu was there in the home, and when she had seen the dead body, थोड़ा सा she was completely, sort of बहुत ही ज़्यादा disturbed हो गई थी. But she could have been called for anything which had to be done because she was the only person who was a relative of Sushant Singh Rajput at that point of time. Riya had no legal status to be with Sushant Singh Rajput because she was, at best, as per her own statement, was only in a live-in relationship up to the 8th of June. Up to the 8th, that's important. After that, she was not even in that live-in relationship. She has walked out of the home. She took two big bags and she had packed out of the home. And she had taken all valuables, jewelry, etc. In fact, when the locker was opened, two lockers of Sushant Singh Rajput was opened, both the lockers were found to be completely empty. And those lockers would be having several watches and, valuables of Sushant Singh Rajput, cash, etc. Nothing was there in those two lockers. So, after having left the house with all the valuables, what right did she have to be in the mortuary? So, if she has gone there, Mumbai police will have to do a lot of explaining that how did they allow her to go there when the sister was there and sister was not called for any legal requirement, if any was necessary. सर थोड़ा सा हिंदी में आप जवाब दे सके क्या? सबूतों से छेड़छाड़ जैसी चीजें सामने आ रही हैं और खासतौर पे रिया का मॉर्चरी में मौजूद रहना एक सवाल खड़े कर रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, रिया का कोई उनके साथ कोई लीगल स्टेटस नहीं था. सुशांत सिंह के साथ, अगर बहुत से बहुत उनकी सारी बात हम मान लें, तो 8 जून तक एक लिव इन रिलेशनशिप में थी. उसमें कोई उनकी ना शादी हुई ना कुछ, पिता उनका कुछ था. 8 को वो छोड़ के चले गए उनके घर को. मतलब वो जो रिलेशनशिप जो भी था उनका, 8 के बाद ख़त्म हो गया. उनका जो भी रिलेशनशिप वो क्लेम कर सकती हैं, तो वो रिलेशनशिप जब ख़त्म हो गया, तो उसके बाद अगर किसी को बुलाना था वहाँ पे सुशांत सिंह के मौत के बाद मॉर्चुअरी में या कोई और कोई लीगल रिक्वायरमेंट में किसी को जाना था, एक तो मेरे को मालूम नहीं किस सर्कमस्टांस में गई, किस हैसियत से गई वो. और किसी का अगर हैसियत था तो वहाँ उस दिन सुशांत की बहन मौजूद थी मुंबई में, उनके घर में ही थी. अगर कोई ज़रूरत होती तो उसको बुला सकते थे. रात तक तो वो थी, रात के बाद फिर उसकी दूसरी बहन, दो और बहनें आ गई थी दिल्ली से, तो इसलिए तीन तीन बहनें रात को मौजूद थी. इसलिए किस किस मेरे को नहीं लगता कि जब एक बार वो सारा उनका वैल्यूबल्स वगैरह लेके, सारा सामान लेके उनका घर छोड़ के चली गई, जब उनका सुशांत का जब तिजोरी खोला गया तो सारे तिजोरी एकदम खाली थे. उनके पास बहुत एक्सपेंसिव घड़ियाँ थी और उनके पास बहुत से और चीज़ें रहती थी जिसका सुनने में आया, तो वो सारी कुछ भी नहीं थी उस तिजोरी में. तो इसलिए उसके बाद जब सब सब कुछ ले दे के वहाँ से निकल गई, उसके बाद उनका क्या हक बनता था कि मोर्चुरी में जाएं और किस हैसियत से गईं? इसलिए मुंबई पुलिस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने किस हैसियत से बुलाया, जब परिवार ने उनको क्रिमेशन तक लिए नहीं बुलाया. आपको जहाँ तक मालूम होगा कि उस 20 की लिस्ट में उनका नाम नहीं था. इसी वजह से नहीं था क्योंकि परिवार को मालूम था कि ये शुरू से ही सुशांत को सिर्फ उनका पैसा हड़पने के लिए और सिर्फ उनका लाइफ बर्बाद करने के लिए आई हैं. तो इसलिए वो किस हैसियत से गई, ये बहुत ही प्रश्न का चीज़ है और इसको बहुत गंभीरता से सीबीआई को देखना होगा. सर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में खासतौर पे जो सबूत होते हैं शुरुआती दौर में उनका सही होना बहुत ज़रूरी है, इतना वक्फा निकल गया, क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सैलवेज हो पाएंगी, कैसे होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मामले में बहुत लापरवाही बरती गई है मुंबई पुलिस द्वारा. और इसीलिए आपको ध्यान होगा, आज शायद हमने न्यूज़ में भी देखा कि आज सीबीआई के अफसरों ने आज डीसीपी से भी क्वेश्चनिंग की और वहाँ थाने से भी किया, क्योंकि जो शुरू की जो चीज़ होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो हम लोग कहते हैं कंटेम्पोरेनियस एविडेंस. तो जहाँ पर इस तरह का मौत होता है वहाँ उस पूरे एरिया को सील किया जाता है, उस एरिया में किसी को ना आना आने दिया जाता है ना जाने दिया जाता है. जो भी सामान वहाँ होता है, जो भी कुछ भी सस्पिशियस हो, सारा कुछ पुलिस उसको सीज करके ले जाता है. तो लगता नहीं कि इस केस में ऐसी कोई प्रक्रिया की गई. लेकिन एक आज के दिन एक फायदा ज़रूर है कि आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त होता है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल में अगला आदमी पकड़ में आ ही जाता है. तो मेरे को लगता है सीबीआई जैसी बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीम है, तो ये ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से कोई ना कोई सुराग जरूर खोज के निकालेगी. और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो इसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार होंगे और उनको उन पर चार्जशीट दाखिल होगा. सर इस मामले में रिपब्लिक ने स्टिंग किया, उसमें पता चला कि संदीप सिंह जो साथी थे वो क्राइम सीन पर थे उस वक्त और वो लगातार एक थ्री स्टार इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे लगातार और वो हर जगह कई जगह देखे गए हैं,
इस तरह की बातें भी सामने आई हैं, कुछ लोगों ने कबूली है। दूसरा ये कि जब मॉर्चरी में रिहा थी तो उस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से एक टेस्टिंग में बोला कि रिहा ने डेड बॉडी को देखकर बोला था, आई एम सॉरी बाबू फॉर इट। ऐसा है ना, जहाँ तक संदीप सिंह का सवाल है, वो पता नहीं हेलीकॉप्टर से वहाँ कैसे पहुँच गए। वो कोई बहनें उनको जानती भी नहीं है। अगर कोई उनका सुशांत सिंह से अगर कोई जान पहचान रही भी होगी तो उनका कोई इधर रिसेंट कोई मुलाकात नहीं था। और जिस तरह से उन्होंने चार्ज लिया है वहाँ पे, जिस तरह से एम्बुलेंस में बैठ के गए हैं वो, जिस तरह से उन्होंने सारे डिसीजंस वहाँ कॉल कर रहे थे, ये अभी समझ में नहीं आता कि ये किस हैसियत से थे और क्या उनका रोल है। और उनके भी रोल को सीबीआई को बड़े गंभीरता से देखना पड़ेगा कि वो किसने उनको बुलाया वहाँ, क्या किस मौके पे पहुँचे, क्यों उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाल ली। और क्यों उन्होंने, आपको मालूम है पिठानी जो ने जब वहाँ आग जल रही थी तो वहाँ फोटो खींच रहा था और लोगों को भेज रहा था, और पिठानी ने लटका हुआ बॉडी का फोटो ले लिया। तो इसलिए कई लोग इस घेरे में हैं। और जब ये आगे मामले चलेगा सीबीआई द्वारा तो सबकी छानबीन होगी और सीबीआई सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी। तो संदीप सिंह के बारे में कुछ परिवार ने कहा कि वो कौन है, क्या है, मतलब किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा था? बहनों को तो पिताजी तो देखिए बहुत ज्यादा उनसे वहां चूंकि जाते आते नहीं थे इसलिए उनको तो बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से उनको कोई भी परिचय नहीं था। लेकिन जो बहनों से मेरी बात हुई है, कोई संदीप सिंह को नहीं जानता कि वो कौन था और किस तरह से दोस्ती थी। अगर कोई दोस्ती कभी रही होगी सुशांत सिंह के साथ तो बहनों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।